हेलो दोस्तों, विजय एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एमपीपीएससी का, जो 20 जुलाई 2020 को डिसीजन आया है, जिसमें उन्होंने आगे की डेट दी है और जो कि 18 अगस्त 2020 की डेट दे दी गई है। तो लगभग आपके पास 29-30 दिन फिर से मिल गए हैं, और जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा है तब तक एक स्थिति ये बनी हुई है कि पढ़ाई कैसे करें। पढ़ाई में कई बच्चों के कॉल आए मुझे कि सर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, बार बार डेट बढ़ती जा रही है, एक पढ़ाई में मतलब कहीं न कहीं रिदम ही नहीं आ रही है, और जो पढ़ा भी है तो रिवाइज नहीं करा, तो उसके कारण भी लगातार भूलते जा रहे हैं। तो इस तरह की काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स जो कि मुझे स्टूडेंट शेयर कर रहे हैं। तो आपकी भी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं 8962429653 पे। तो चलिए बात करते हैं कि अब देखिए, जो कि 20 अब आपके पास फिर से 18 तारीख को आएगा, अब 18 अगस्त को आपका कुछ उस दिन हो सकता है कि फाइनल रिजल्ट दे दिया जाए, कुछ डिसीजन दे दे हाई कोर्ट। उसके बाद ही हम, क्योंकि एक बार अगर रिजल्ट आ जाता है तो पढ़ाई करने का हमारा एक अलग ही मन लगता है। लेकिन जब तक तो रिजल्ट नहीं आता तो हम इस स्थिति में होते हैं कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके जो कट ऑफ मार्क्स के वो आसपास ही हैं, तो वे इस द्वंद में है कि वे 2020 की प्री की तैयारी करें या फिर 19 के मेंस की तैयारी करें। और कुछ लोग हैं जो श्योर भी हैं परंतु डेट नहीं आ रही, तो वो भी पढ़ के भूल रहे हैं या लिखने की प्रैक्टिस कर करके वो कहीं ना कहीं थोड़े से थक चुके हैं, मोटिवेशन थोड़ा सा सबका कम हो गया है। तो आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ आपको, यहाँ मैं एक स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, जो कि स्ट्रेटेजी में मेरा आपसे ये बताने का मतलब है कि देखिए, अब आपके पास आज 21 तारीख है, और अगर हम आज से 18 अगस्त तक की एक मैं आपको आज स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कि अभी आपको इस पे ही फोकस करना है, क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा है तो बार बार ये हो रहा है कि मतलब हम थोड़ा हमारी पढ़ाई में रिदम आती कि चलो अब रिजल्ट आ जाएगा। और ये जैसे अभी स्कोर कार्ड आया था तो बकाया था, उसके बाद स्टूडेंट की पढ़ाई अच्छी होने लगी थी, लेकिन उसके बाद सबको यह था कि जो 20 तारीख थी, 20 जुलाई को कोर्ट का फाइनल डिसीजन आ जाएगा, परंतु उन्होंने फिर आगे की डेट दे दी है और 18 अगस्त की दी है। और उस दिन भी स्टूडेंट को ये श्योर नहीं है कि रिजल्ट उस दिन कोर्ट का डिसीजन फाइनल हो जाएगा, जो रिजर्वेशन पे चल रहा है, और फिर रिजल्ट आपका जारी हो जाएगा। तो चलिए आज हम जो बात कर रहे हैं, इस स्ट्रेटेजी पे बात कर रहे हैं कि आपको 18 अगस्त तक के लिए आप क्या करें, ठीक है, कि आपके पास लगभग 29 दिन बचे हैं तो आप इसके लिए क्या वो करें। तो देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले तो आप ये माइंड सेट रखें कि देखिए एग्जाम जो है ये पहला, तो आपको मैं बताऊंगा कि आप क्या करें, माइंड सेट रखें, अपना माइंड सेट में क्या रखें कि भैया आपकी एग्जाम तो होगी, ये आपका फर्स्ट माइंड सेट है, और एग्जाम होगी तो फिर क्यों ना हम पढ़ाई करें। ये पहला आपको माइंड सेट क्लियर करना चाहिए कि देखिए 18 तारीख के बाद भी अगर डेट आगे बढ़ा दी जाए तो थोड़े दिन और बढ़ जाएगी, यही हो सकता है, इससे ज्यादा से ज्यादा कुछ भी नहीं हो सकता कि आपकी और आगे डेट बढ़ा दे। तो क्या होगा, यहाँ पर हमको एक माइंड सेट रखना है कि ठीक है यार, ये कितनी भी डेट बढ़ा ले एग्जाम तो लेंगे, और एग्जाम लेंगे तो मुझे इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। और जब भी आपको ही पता है डिसीजन आ जाएगा तो उसके बाद हार्डली ये 60 से 70 दिन मैक्स टू मैक्स आप मान के चले कि लगभग 60 45 से, मैं तो वो कहूंगा आपको 50 से 90 दिन के बीच ही आपकी एग्जाम ले लेंगे। और आपको ये पता है मेंस का इतना वास्ट सिलेबस को क्या कवर किया जा सकता है 50 से 60 या 70 दिनों में, उसमें आपको राइटिंग भी प्रैक्टिस करना है, पूरा सिलेबस रिवाइज करना है, टेस्ट पेपर की राइटिंग प्रैक्टिस भी करना है, तो आपको काफी सारे ऐसे काम करना है। तो पहला तो मैं आपको कहूंगा यहाँ पर कि आपको एक माइंड सेट क्लियर रखना है कि ठीक है यार, डेट आगे बढ़ रही है या जितनी भी आगे बढ़े ये तो अच्छा है, कि मैं अपनी प्रिपरेशन कर लूंगा, मैं और अच्छी मजबूत कर लेता हूँ, और मैं अपना रिविजन स्ट्रॉन्ग कर लेता हूँ। तो आप पहला अपना माइंड सेट ये क्लियर करें कि भैया एग्जाम तो होगी, ठीक है। तो फर्स्ट आज का हमारा की पॉइंट क्या है कि आप ये माइंडसेट बना के लिए कि एग्जाम तो होगी, ठीक है, डेट आगे बढ़े जा रही है, ये जरूर थोड़ा सा कई लोगों के लिए ड्रॉबैक रहता है इसके पीछे, पर आप देखिए हम कुछ भी नहीं कर सकते, ये राजनीतिक और साथ ही साथ कोर्ट के डिसीजन को लेके, तो हमको बस यही माइंडसेट पहले रखना है कि एग्जाम तो होगी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड पे, तो सेकेंड अब हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए सेकेंड में आपसे कहूंगा कि अब आपको ना तैयारी के लिए अभी आपको ना छोटे छोटे प्लान बनाना चाहिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं प्लान पे, ठीक है। तो अब हम कैसा कितना प्लान बनाए, देखिए हम ज्यादा लंबा प्लान नहीं बना सकते, क्योंकि अगर आज हम मान ले बना लेते हैं 5 महीने 6 महीने का प्लान या 3 4 महीने का प्लान, और बीच में या कोर्ट का डिसीजन आ जाए और उसके बाद रिजल्ट भी जारी हो जाए और डेट डिक्लेयर हो जाए और एग्जाम हमारी कंडक्ट हो जाए, क्योंकि मेन से स्टूडेंट कम होते हैं तो एग्जाम ले सकता है ले ले सकती है गवर्नमेंट, तो फिर क्या होगा, फिर हमारा प्लान गड़बड़ा जाएगा। और अगर हम अभी हम लॉन्ग टर्म का प्लान बना लें तो हमारी तैयारी उस हिसाब से होगी, और फिर एकदम से प्लान ब्रेक होगा और फिर हमें एक नया प्लान बनाना पड़ेगा, और अगर उसमें हमको
टाइम कम मिलता है, ठीक है। अगर हमको टाइम कम मिलता है और इतने बड़े सिलेबस को पढ़ना, तो कहीं ना कहीं हम फिर एक खराब स्थिति में भी आ सकते हैं। तो हमको वैसी स्थिति से बचना है, तो हमको है ना जो हमारा प्लान है उसको हमको छोटे प्लान बनाना है। तो ठीक है, हमको प्लान कैसा बनाएंगे, शॉर्ट टाइम का प्लान बनाएंगे, ठीक है। छोटी समय अवधि का आपको प्लान बनाना है, ठीक है। तो अब आपका प्लान के अंदर पहला प्लान आपका क्या होना चाहिए, अभी आपके लिए जो मैं कहूंगा कि आपका जो प्लान होना चाहिए वो किस हिसाब से होना चाहिए, कि आपका लगभग ये होना चाहिए 30 दिन का, ठीक है। 30 दिन का आपका प्लान होना चाहिए, ठीक है। अब इस 30 दिन के अंदर क्या करेंगे हम, इन 30 दिन के अंदर देखिए हमको ना सबसे पहले तो आपको देखना है कि आपकी स्थिति क्या है, आपने अभी तक क्या क्या कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो हम प्लान बताऊंगा मैं आपको, मेरा कहने का मानना ये है कि आपको सबसे पहले तो देखिए 500 जो होता है, 500 मतलब 500 को मैं क्यों फोकस करना है, ये वो सब्जेक्ट है जो कि एक तो क्या है छोटे हैं, और इसके अंदर देखिए क्या क्या आता है, आपका हिंदी आ जाता है, ठीक है, हिंदी आ जाता है। उसके बाद आपका एथिक्स आ जाता है, हिंदी के बाद आपका क्या आ जाता है, एथिक्स आ जाता है, और आपका इसमें आ जाता है, उसके बाद आपका आ जाता है ऐसे, ठीक है। तो अभी हम पहले 500 पे बात कर लेते हैं, फिर हम दूसरे सब्जेक्ट पे बात करेंगे। देखिए चलिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, सबसे छोटा जो है वो है, बात करते हैं हमारे ऐसे का। तो देखिए मैं आपको कहूंगा ऐसे के लिए आप क्या करें, एवरी वीक मतलब हर सप्ताह में एक या एक ऐसे तैयार कर लें पूरे वीक में, और हर संडे को उस ऐसे को आप क्या करें, लिख लें, ठीक है। तो इस तरह आपकी क्या होगी, ऐसे राइटिंग हो जाएगी, और ऐसे में आपको क्या एक सप्ताह में एक ऐसे तैयार करना, आपके लिए काम भी आसान रहेगा, और आप इस संडे को एक आधे घंटे या आधे घंटे का जो भी आपका मन हो उतना आप फिक्स कर लीजिए और ऐसे को लिखिए। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, एक तो आपको ये भी आएगा कि यार मैं लिखने की प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, और आपका एक सब्जेक्ट भी तैयार होगा। तो ठीक है, फर्स्ट आपको क्या करना चाहिए कि आपको एवरी वीक या सप्ताह में दो आप करें तो मैं कहूँगा सबसे अच्छा रहेगा, आप एक वीक में दो ऐसे तैयार कर लें, तो दो करें, और वो दोनों ही ऐसे को क्या करें आप, संडे को आप लिख लें। तो इस तरह आपके महीने में लगभग 8 से 10 ऐसे भी तैयार हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम हिंदी पे। तो देखिए हिंदी की अगर मैं बात करूँ तो हिंदी के अंदर आपको मुहावरे, लोकोक्तियाँ, संक्षेपण, पल्लवन, उसके बाद फिर आपके हो जाते हैं पत्र लेखन हो जाता है, फिर जो हिंदी की ग्रामर है थोड़ी सी वो आपको, जैसे तत्सम तद्भव शब्द हो जाते हैं, ये सभी टॉपिक आपको करना पड़ते हैं। साथ ही साथ कुछ बेसिक व्याकरण है जहाँ से लगातार क्वेश्चन आते हैं वो भी आपको पता ही होगा, फिर इंग्लिश के जो वर्ड होते हैं, फिर ट्रांसलेशन होता है। देखिए एक तो इंग्लिश के वर्ड होते हैं आपको ट्रांसलेट करने का, तो 3 नंबर का एक वर्ड होता है, और या तो आप हिंदी से इंग्लिश में करो या हिंदी से इंग्लिश में या इंग्लिश से हिंदी में, 3 नंबर सीधे एक मिलते हैं आपको, तो वहाँ वो 15 मार्क्स गेन कर सकते हैं। फिर आपका ना ट्रांसलेशन जो आता है वो 35 नंबर का आता है, एक हिंदी से इंग्लिश में करने को रहता है और इंग्लिश से हिंदी में। तो आपको ये सब प्रैक्टिस करने की है, हिंदी हिंदी पढ़ने से ज़्यादा प्रैक्टिस की है, ठीक है। अगर कोई बोले कि हिंदी पढ़ने की है तो नहीं, एक दूसरी एग्जाम में और MPPSC की हिंदी में बहुत बड़ा अंतर यह है कि यहाँ पर पढ़ने से ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस वाली हिंदी है, ठीक है। तो आपको इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करना है। तो देखिए आपका 30 दिन है, आप कोई भी एक टॉपिक ले सकते हैं, जैसे आप मान लीजिए ले लेते हैं, आप ये ले लें कि यार मैं संक्षेप पल्लवन और संक्षेपण का टॉपिक आपने लिया, आपने इस टॉपिक को कंप्लीट करा, ठीक है। अब इस टॉपिक को कंप्लीट होने के बाद आप उसकी 1 से 2 दिन प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आपका 15 नंबर का ही हो गया। फिर आप हर वीक में ये सोचिए कि मेरे को 1 से 2 पत्र लेखन तैयार करना है, तो 8 से 10 टाइप में पूरे पत्र प्रारूप लेखन के वो आप तैयार कर लेंगे 1 महीने में, तो इस तरह आपके 30 नंबर हो जाएंगे। आप रोज 10 10 5 5 भी इंग्लिश के वर्ड करेंगे तो पूरे महीने के अंदर लगभग आप 300 के आसपास कवर कर लेंगे, तो वहां पर आपका 15 नंबर का ही हो गया, तो आपका इस तरह 35 नंबर हो गया। फिर आपके मुहावरे आप अगर रोज 5 5 10 10 करेंगे तो ये भी 300 आप कंप्लीट कर लेंगे, तो ये आपके 15 नंबर होगा, तो ये आपके 60 नंबर होगा। तो इस तरह आपको एक एक एरिया फाइंड आउट करते जाना है, छोटा छोटा लेते जाना है, और वो छोटा छोटा आपको तैयार करते जाना है। तो इस तरह आप महीने में लगभग हिंदी आप 80 90 नंबर की आराम से ऐसे छोटे छोटे कर करके आप 80 90 100 नंबर की हिंदी आप तैयार कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम, अब बात करते हैं हम एथिक्स पे, ठीक है। आपको हिंदी समझ में आ गई, हिंदी का प्लान क्या है। तो देखिए अब हम बात कर लेते हैं, अब हम बात करते हैं एथिक्स पे। देखिए एथिक्स पे अगर मैं आपसे बात करने को कहूँ तो देखिए एथिक्स में क्या आपको मैं कहूंगा, सबसे पहले तो एथिक्स में आपको है ना 2 पार्ट में पढ़ना चाहिए एथिक्स, ठीक है। एथिक्स पढ़ने का तरीका क्या है, एथिक्स पढ़ने का तरीका है सबसे पहले तो ना, एथिक्स पढ़ने का तरीका जो है बिल्कुल सिंपल है और बहुत ही, एक तो ये अच्छा सब्जेक्ट है, आपको ये इसको रखना है, क्योंकि ये याद करने का नहीं है, ये आपकी जो मतलब नैतिक शास्त्र को, उसका नाम ही क्या है नैतिक शास्त्र, तो आपकी मतलब ये कैसा माइंड सेट है किसी चीज को लेकर, आप कैसा सोचते हैं, आपकी धारणा क्या है, ये आपको इस पर डिसाइड करते हैं, और आज समाज में वर्तमान में क्या चल रहा है उसके लेकर आपके क्या थॉट है, आपके क्या विचार है, ये सब कुछ ही एथिक्स में आ जाता है। तो अब इसको आपको 2 पार्ट में पढ़ना है,
दो पार्ट में क्यों पढ़ने का बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि 65 नंबर की आपकी क्या है, केस स्टडी है। ठीक है, अब 65 नंबर की है तो लगभग आपका देखिए 135 नंबर की आपका थ्योरिकल पोर्शन है, तो ये आपका पूरा ही पूरा जो पेपर बनता है ये 200 नंबर का पेपर बन जाता है। ठीक है, अब इस 65 नंबर पे पहले हम बात कर लेते हैं। 65 नंबर के अंदर देखिए क्या है, ये 65 नंबर केस स्टडी है, तो मैं आपसे कहूंगा एक बार तो आप है ना कॉन्सेप्ट समझे केस स्टडी का, कि वास्तव में केस स्टडी होती क्या है, केस स्टडी को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है, और इसमें किस तरह से आंसर आते हैं, पुराने पीएससी ने कैसे क्वेश्चन पूछे हैं, ये आपको इसमें ये सब चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। ठीक है, और उसके बाद आपको कितनी वर्ड लिमिट में उसका आंसर देना चाहिए, कौन कौन से आपको मतलब वो पॉइंट उसमें कवर करना चाहिए, ये सब चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। और अगर आप 5 साल के ही अगर आप पेपर देखें तो आपके पास लगभग 5 से 10 केस स्टडी आपको मिल जाएगी, तो आप सबसे पहले उन्हीं को तैयार कर लीजिए, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से मुझे तैयार करना है। ठीक है, और तो आप हर वीक ये 2 केस स्टडी सॉल्व कीजिए। ठीक है, कौन सी सॉल्व करना है आपको केस स्टडी, तो आप मैं आपको कहूंगा पहले आप जो प्रीवियस पेपर है किसकी एमपीपीएससी की वो आप तैयार करें, तो इसके अंदर आप एमपीपीएससी के पेपर से तैयार करेंगे तो आपको हर वीक तैयार कीजिए आप, तो आप 2-2 केस स्टडी मतलब 65-65 नंबर की आप हर बार हर वीकली तैयारी कीजिए, तो आपके पास ये 5 सप्ताह में आप इस 65 नंबर को आप तैयार कर सकते हो। पुराने पेपर से आपको आइडिया लग जाएगा कि पीएससी एक तो कौन सी सिचुएशन पे बेस्ड केस स्टडी पूछता है, फिर उसके क्वेश्चन कैसे होते हैं, फिर उनका आप आंसर लिखिए, फिर आप उस आंसर में देखेंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही, उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, फिर या आप जहां भी कोचिंग से पढ़ रहे हो आपका जो बुक्स आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं 165 नंबर पे। अब 165 नंबर के अंदर देखिए 135 नंबर माफ कीजिएगा 135 नंबर की ये जो पोर्शन है ये क्या है, थ्योरिकल पोर्शन है। अब ये थ्योरी पोर्शन के अंदर देखिए आपको है ना इसको भी आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 135 नंबर को भी आप क्या कर सकते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि इसको दो पार्ट में डिवाइड करने का भी एक रीजन है, इसको दो पार्ट में इसमें अंदर एक तो होता है टोटल थ्योरी मतलब टॉपिक वाइज, ठीक है, जो कि थोड़ा सा बच्चों को कठिन पड़ता है क्योंकि इसके अंदर नई नई धारणाएं आपको पढ़ना पड़ती है, कोई कोई से वर्ड सुनो उनको याद रखना, सत्य निष्ठा क्या है, तो इस तरह के वर्डों को आपको याद रखना, उसकी डेफिनेशन को एक्यूरेट याद करना थोड़ा सा कठिन पड़ जाता है, तो एक तो ये टोटल थ्योरी हो जाती है और एक हो जाता है आपका थिंकर, ठीक है, विचारक होने लगभग आपको अगर आप सिलेबस को देखेंगे तो 19 आपको मिलेंगे। ठीक है, तो 19 थिंकर है आपको, तो आपको मैं ये कहूंगा कि आप हर 2 दिन में एक तैयार कीजिए, 2 दिन में एक थिंकर तैयार करेंगे तो आपको लगभग 38 दिन में इसको अप्रोक्सीमेटली लेता हूँ कि 40 दिन आपको लग जाएंगे, तो देखिए 40 दिन में आप इसे तैयार कर लीजिए। और थ्योरी का आप क्या करिए, थ्योरी में ना देखिए यूनिट है वहाँ पर बकायदा यूनिट, जैसे भ्रष्टाचार वाली यूनिट हो गई, सामूहिक बुद्धि वाली एक आपकी यूनिट हो जाती है, एक आपकी मनोवृत्ति की यूनिट हो जाती है, फिर एक अभिरुचि वाली यूनिट है आपकी वो यूनिट हो जाती है, तो आपको इस तरह यूनिट है, तो अब आपको क्या करना है, एक यूनिट 1 सप्ताह, ठीक है, मतलब मैं एक यूनिट तैयार करूंगा कितने दिन में तैयार करूंगा, 6 दिन में। 6 दिन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 7वें दिन हम 65 नंबर की केस स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है नहीं कि आपको एथिक्स से करना है। हाँ, तो आप देखिए आप एथिक्स करने के लिए एक तो संडे को आप ये 65 नंबर तैयार करेंगे, बाकी आप है ना मंडे से सैटरडे तक आप थ्योरिकल पोर्शन कवर करेंगे। ठीक है, और आप रेगुलर एक और काम करते चलेंगे, क्या थिंकर आप तैयार करते चलेंगे, और एक थिंकर 2 दिन में आप तैयार करिए, तो इस तरह आपके 40 दिन में, तो आपका इस तरह पूरा एथिक्स लगभग लगभग आपका 40 से 45 दिन में आपका एथिक्स बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, हिंदी मैंने आपको बता दिया कि आपको एक एक टॉपिक उठाना है, ना कि आपको पूरी हिंदी पढ़नी है, आपको एक टॉपिक उठाना है, जैसे आपको मान लीजिए पल्लवन संक्षेपण अच्छा लगता है, आपको सरल टॉपिक लगता है, तो आपने उसको उठा लिया, उसकी आपने बकायदा प्रैक्टिस कर ली, फिर आपने क्या करा, फिर आपने उसको अच्छे से प्रैक्टिस उसकी कर ली, उसके 4 से 6 क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लिए, क्वेश्चन कौन से करें आप प्रीवियस पेपर के सॉल्व कीजिए, वो ज़्यादा बेनिफिट है। ठीक है, आप फिर उसके बाद आप जो 5 वर्ड आते हैं हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के, फिर एक ट्रांसलेशन आता है, आप इनकी रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, थोड़े से रूल्स ग्रामर के पढ़ लीजिए, उसके 2 पेजेस नंबर का ट्रांसलेशन करना स्टार्ट कर लीजिए, इसमें आप गूगल की भी थोड़ी सी मदद ले सकते हैं, तो इस तरह आपका ट्रांसलेशन हो जाएगा। आप 2 से 3 दिन में एक अपना पत्र तैयार कर लीजिए, तो इस तरह सप्ताह में 2 पत्र हो जाएंगे, लगभग वो 10 होंगे मैक्सिमम, तो आप उन्हें तैयार कर लीजिए, तो इस तरह आपका एक आधे महीने में वो, तो लगभग आपकी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपका जो 40 दिन है इसमें आप बिल्कुल बाकायदा प्रैक्टिस के साथ और प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपके एथिक्स हिंदी और आपका निबंध बहुत हद तक आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, और ये आपको छोटी मोटी तैयारी करना है, मतलब आपको कोई ऐसे बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, आप 2-2.5 घंटे भी अगर आप देंगे, चलो 3-3 घंटे भी देंगे, तो आपके 6 घंटे की पढ़ाई होगी। अब हम बात करते हैं दूसरे सब्जेक्ट की, तो आपको ये प्लान फर्स्ट तो समझ में आ गया होगा,
कि आपको कुछ नहीं, आपको बस 3 घंटे एक अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा कि स्लॉट को कैसे यूज़ करें, वो भी मैं आपको आज को इसी वीडियो में बताऊंगा। अब हम बात कर लेते हैं, अभी तक हमने एथिक्स पे बात कर ली, हिंदी पे बात कर ली, निबंध पे, अब हम बात करते हैं जीएस पे। जीएस पे बात करना सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जीएस है जो कि कितने नंबर का है, जीएस 900 नंबर का जीएस है, ठीक है, और हर पेपर 300 नंबर का है आपका। तो अब इसके लिए क्या आपको स्ट्रेटेजी रखना पड़ेगी, इसके लिए आपको देखिए 300 नंबर के इस जीएस के लिए भी हम एक अलग स्ट्रेटेजी बनाएंगे। ये स्ट्रेटेजी कैसी होगी, ये स्ट्रेटेजी में हमको फिर इसको बाइफर्केशन करना पड़ेगा, जैसे जैसे भैया आपका हिस्ट्री है, ठीक है, ये इतिहास हो गया आपका, और ये आपका जियोग्राफी हो गया, भूगोल हो गया आपका, ये आपका पेपर वन हो गया, पेपर टू में कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है, मतलब आपका संविधान हो गया, और फिर वो हेल्थ वाला आ जाता है, थोड़ा सा गवर्नमेंट की इसी के अंदर पूरा हेल्थ आ जाता है, साथ ही साथ इसके अंदर आपको जो वर्ल्ड के जो ऑर्गेनाइजेशन है WTO वगैरह संयुक्त राष्ट्र, वो आ जाता है, कुपोषण आ जाते हैं, एजुकेशन आ जाता है, मानव संसाधन, ये सभी इस टॉपिक में हेल्थ वाले जो पूरा ही पूरा है इसमें आ जाते हैं। फिर आपका आ जाता है साइंस, और आपका आ जाता है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी है ये, देखिए अर्थव्यवस्था ना कि इकोनॉमिक्स है, ठीक है, तो ये इकोनॉमी अर्थव्यवस्था है आपका। अब हम इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी बनाए, एक तो यहाँ का सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, तो हम इसके लिए भी एक नई रणनीति बनाएंगे। नई रणनीति कैसी, देखिए इसके अंदर हम है ना फाइंड आउट करेंगे, एक तो देखिए सबका एक फेवरेट होता है, सबसे पहले हम क्या, मैं आपके लिए कहूँगा एक फेवरेट सब्जेक्ट होता है, हर एक स्टूडेंट का एक सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होता है, तो जो एक फेवरेट सब्जेक्ट है वो आप अपनी स्टार्ट करें इन 30 दिन के लिए। देखिए 30 दिन की एक स्ट्रेटेजी तो क्या बता दी मैंने आपको कि आपको ऐसे 3 दिन में एक तैयार करो, 3 दिन में एक तैयार करो, इस तरह 6 दिन में दो ऐसे तैयार करो, संडे को दोनों ऐसे को लिख लो, एक आपका है ना पेशेंट नंबर की केस स्टडी पढ़ो, उसका कॉन्सेप्ट समझो, और फिर उस पेशेंट नंबर की केस स्टडी को सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करेंगे आप, जो पुराने पेपर है 18 के 17 के 16 15 14 इनके आप सॉल्व करो, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, ऐसे समझ में आ गया आपको, केस स्टडी समझ में आ गई। अब हम बात कर लेते हैं कि अब भाई एक फेवरेट सब्जेक्ट होता है, तो जो भी आपका इसमें से जो भी फेवरेट हो, ठीक है, इतिहास आपका अच्छा हो या भूगोल अच्छा हो या आपका संविधान अच्छा हो या आपका स्वास्थ्य वाला पेपर आपको अच्छा लगता हो, क्योंकि इसमें ऑर्गेनाइजेशन है, मानव संसाधन है, शिक्षा है, इस तरह के टॉपिक है, कुपोषण एक टॉपिक है, संक्रामक असंक्रामक रोग क्या है, स्वास्थ्य क्या है, पैरामेडिक्स क्या होते हैं, इस तरह के टॉपिक है, सरकार की क्या कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, इस सभी इस टॉपिक में, तो ये भी एक अच्छा टॉपिक लगता है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो आपको ये अच्छा लगता है, या आपको किसको विज्ञान अच्छा है, जो स्टूडेंट विज्ञान के होते हैं उनके लिए विज्ञान एक अच्छा सब्जेक्ट लगता है, या कुछ स्टूडेंट होते हैं जो कॉमर्स बैकग्राउंड के होते हैं उन्हें इकोनॉमी अच्छा लगता है, ठीक है, तो आप कुछ भी जो भी आपका फेवरेट है वो आप एक सब्जेक्ट स्टार्ट करो। कितने घंटे पढ़े, 1 से 2 घंटे आप इसे करें, देखिए दो दो घंटे आपका वो टॉपिक हो जाएंगे, कौन से आपके, एक तो आपका हो गया है हिंदी, एक हो जाएगा 2-1 घंटे आप एथिक्स ले लेंगे, 2 घंटे हिंदी ले लेंगे, 4 घंटे हो गए, 1 घंटे आप ऐसे पढ़ेंगे, 5 घंटे का आपका प्लान हो गया, और एक फेवरेट आप सब्जेक्ट लेंगे तो 2-1 घंटे हो गए आपके, तो ये 7 घंटे हो गए। अब हम बात करते हैं किसी भी एक, ठीक है, अब आपको किसी भी एक कोई इसमें से जो भी आपको फेवरेट है वो आप ले लेंगे। अब हम बात करते हैं एक अदर सब्जेक्ट की, अदर सब्जेक्ट के अंदर हम बात करते हैं, देखिए मैं आपको बताऊंगा अगर आप मेरी स्ट्रेटेजी से चलें, आपको अगर कोई फेवरेट सब्जेक्ट ना हो, कुछ स्टूडेंट ऐसे जिनका कोई भी सब्जेक्ट फेवरेट नहीं है, उन्हें सभी अच्छे लगते हैं और वो हर सब्जेक्ट में एक अच्छा स्कोर भी कर लेते हैं, तो उनके लिए मेरी एक स्ट्रेटेजी बेसिक है कि ये ना फाइंड आउट ना करें आप इसके अंदर, इन 6 सब्जेक्ट में से आप क्या करें, 2 पार्ट में बायफर्केट करें इसे। फिर इसके लिए ना देखिए मैं इसे 2 पार्ट में बायफर्केट क्यों कर रहा हूँ, एक तो देखिए हिस्ट्री होता है, एक आपका जियोग्राफी होता है, हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, एक आपका कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, और एक हो गया साइंस, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस, जियोग्राफी और हिस्ट्री, ये 4 सब्जेक्ट हो गए, ये मोस्ट लेंदी सब्जेक्ट है, ये वो सब्जेक्ट है जो बहुत ज़्यादा भारी पड़ते हैं। लेकिन वहीं अगर आप हेल्थ देखेंगे या आप इकोनॉमी देखेंगे तो ये सब्जेक्ट क्या है, बड़े ही छोटे हैं। महत्वपूर्ण बात क्या है, इनका सिलेबस पूरी तरह डिस्क्राइब है, वहीं से पेपर आता है, कोई आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। इकोनॉमी में जरूर कुछ पेपर से कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो करंट बेस्ड होते हैं, तो वो अगर आप रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो वो भी आपसे बन जाएगा। तो अब आप बात करते देखिए, तो अब आपको क्या करना चाहिए, अगर आप मेरी फ्रेज ले तो मैं तो आपको कहूँगा आपने 2-1 घंटे एथिक्स को दे दिया, 2 घंटे हिंदी को दे दिया, 1-2 घंटे में आप ऐसे तैयार कर ले तो तैयार कर रहे तो आपके 5 घंटे का प्लान हो गया, थोड़ा बहुत आप लिखने की प्रैक्टिस करेंगे 1-2 घंटे तो 6 घंटे का प्लान हो गया। अब आपको है ना मैं तो ये कहूँगा अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट फेवरेट नहीं है
तो आपको इसके लिए क्या करना चाहिए, इन दो सब्जेक्ट को और स्टार्ट कर लेना चाहिए, ठीक है, एक एक दो दो घंटे जो भी। अब आप इसको थोड़ा सा पाइट में कर सकते हैं, मैं 7 दिन में ये या इतना इतना तैयार करूंगा, ये अब आपको अपने हिसाब से प्रिपेयर कर लेना कि मैं इस माइंड सेट से पढ़ूंगा, और फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको कहूंगा आप इन दो को तैयार कर लीजिए। तो इन दो को तैयार करेंगे तो अब आपका क्या होगा, 800 मार्क्स की आपकी प्रिपरेशन हो गई है, ठीक है, आप 800 पे बिल्कुल श्योर है। और अब आपका ये जो सब्जेक्ट है इसके अंदर भी एक अलग स्ट्रेटेजी होती है, इसकी स्ट्रेटेजी क्या होती है इसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट करके बोल देना कि सर इसके लिए भी एक स्ट्रेटेजी बताओ, तो मैं इसकी स्ट्रेटेजी में आपको क्या बताऊंगा कि कौन से ऐसे टॉपिक है जहां पर बहुत ज्यादा नंबर का पूछा जाता है। जैसे आप वर्ल्ड हिस्ट्री उठाइए, तो देखिए आप वर्ल्ड हिस्ट्री का पुराने पेपर से आप देख सकते हैं, आप अनुभव देखेंगे तो देखिए एक 15 मार्क्स का क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री का आता है, एक 6 नंबर का आता है, तो 21 नंबर हो जाते हैं, लगभग 3 क्वेश्चन उसके है ना अति लघु उत्तरी पूछ जाते, तो लगभग लगभग 30 से 36 नंबर तक की वर्ल्ड हिस्ट्री देखने को मिलती है। तो इस तरह मैं आपको है ना पॉइंट उसमें बता दूंगा कि कौन कौन सी ऐसी यूनिट्स है जहाँ पर मैक्सिमम नंबर का पूछा जाता है, कौन सी ऐसी यूनिट है जहाँ पर बहुत ही कम नंबर का पूछा जाता है, या कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत रेयरली पूछते हैं, या कौन से ऐसे टॉपिक है जो बहुत बार पूछे जाते हैं और बहुत ही छोटे हैं, ठीक है, तो ये मैं आपको बता दूंगा। तो लेकिन देखिए अभी इस स्ट्रेटेजी बताने का, 30 दिन की स्ट्रेटेजी क्यों बताई मैंने, क्योंकि क्या हो रहा है हम इस रिजल्ट में रहते हैं कि अब रिजल्ट आ जाएगा फिर हम तैयारी करेंगे या हमारी तैयारी उतनी अच्छी हो, तो एक छोटी सी स्ट्रेटेजी मैंने आपको इसलिए बताई कि आप देखिए थोड़ा सा आप तैयार करते रहेंगे, आप चाहे वो एथिक्स हो आपका, या फिर आपकी हिंदी हो, या फिर आपका निबंध हो, और ये फिर आपके दो सब्जेक्ट हो, तो ये आप एक बड़ी आसानी से इनको आप तैयार कर लेंगे और आराम से इन 30 दिन में काफी इम्प्रूवमेंट इन सब्जेक्ट में आ जाएगा, और अगर आप बिल्कुल अच्छे से मेहनत करेंगे तो ये सब्जेक्ट कंप्लीट भी हो जाएंगे 30 दिन में, आराम से इन तीनों सब्जेक्ट को कंप्लीट किया जा सकता है, और आप ये दो सब्जेक्ट अभी थोड़ा थोड़ा भी करते रहेंगे तो इनमें भी काफी कुछ कंप्लीट किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो जरूर इसे शेयर कर देना, और साथ ही साथ आप और भी कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, साथ ही साथ कमेंट में भी आप पूछ सकते हो, और आप अगर इतिहास, भूगोल, विज्ञान और संविधान की स्ट्रेटेजी जानना चाहते हैं, साथ ही साथ आप ये भी जानना चाहते हैं कि किस टॉपिक को कैसे कवर किया जाए, ठीक है, और कौन से ऐसे टॉपिक या कौन सी ऐसी यूनिट है जहाँ से बहुत ज्यादा नंबर का पूछा जाता है, कौन सी ऐसी यूनिट है जहाँ से बहुत ही कम नंबर का पूछा जाता है, तो आप ये भी जानना चाहें तो आप मुझे कमेंट करके बता ना सकते हैं, तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। देखिए जैसे मैंने अभी आपको बता दिया कि वर्ल्ड हिस्ट्री आती है, इसी तरह इतिहास में भी कई पोर्सन है जहाँ से पेपर बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कुछ ऐसे पोर्सन है जहाँ से पेपर पूछा ही नहीं जाता है, तो ये भी मैं आपको बता दूं। जियोग्राफी का भी ठीक है स्थिति कि कुछ यूनिट पे तो बहुत ही ज्यादा प्रश्न आते हैं, और कोई सी ऐसी यूनिट है जो केवल 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, उससे ज्यादा कभी नहीं आता उससे, और कोई सी ऐसी यूनिट है जो तो ये पूछता ही नहीं है एमपीपीएससी। संविधान की भी थोड़ी यही स्थिति है, और विज्ञान की भी यही स्थिति है, तो अगर आप ये भी जानना चाहते हैं डिटेल में तो आप मुझे कमेंट कर देना या आप मुझे व्हाट्सएप कर देना। तो आपको अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज प्लीज आप शेयर करें, क्योंकि आप लोग जब शेयर करते हैं और आपके अगर कुछ डाउट आते हैं उनको सॉल्व करके, तो अच्छा लगता है कि लोगों की हेल्प हो रही हो, देखिए हम इसी बस यही चाहते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे शेयर जरूर करें। आज के इस वीडियो में इतना ही था, विजय अकेडमी के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।